Assalamu alaikum, welcome to channel Tipu Info. My name is Mohammad Tufail and I am starting the lecture of pharmaceutics. This is lecture number 8. Aaj hum padhenge storage of pharmaceuticals. ये lecture series जो है बी category के जो student होते हैं pharmacy technician या assistant pharmacy के students के syllabus के लिए मुताबिक, यानी जो पंजाब pharmacy council का syllabus है उसके मुताबिक ये लेक्चर सीरीज हमने बनाई हुई है। तो आज लेक्चर 8 हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स होती क्या हैं। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स, यानी ये डिफाइन किया गया है कि स्टोरिंग होती क्या है। द स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स अप टू देयर पॉइंट ऑफ यूज इज कॉल्ड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट को इस लेवल तक स्टोर करना कि वो अपने जब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक वो स्टोर रहे और उसका जो इस्तेमाल के दौर तक उसको काबिल इस्तेमाल होना चाहिए और उसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स में हमने पॉइंट वाइज चीज़ें याद रखनी है कि द स्टोरिंग कंडीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मस्ट बी इन कंप्लायंस विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एंड अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट दैट आर मेंशन इन अ गुड स्टोरेज प्रैक्टिस। यानी एक जो फार्मास्यूटिकल्स की बुक होती हैं जो इंटरनेशनल ऑथर ने लिखी होती हैं, किसी कानून दान ने लिखी होती हैं, उसमें जो स्टोरेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के जो रूल्स मेंशन हैं, लॉ मेंशन है, उसके मुताबिक वो स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्टोरिंग फैसिलिटी मस्ट कंप्लाई विद लॉ, कानून के मुताबिक होनी चाहिए जो स्टोरिंग फैसिलिटी है। दूसरी कंडीशन है उसमें स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कि प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड पर्सन फ्रॉम एंटरिंग द स्टोर रूम। जो स्टोर रूम है उसमें जो जिसको अथॉरिटी है उसके अलावा कोई भी पर्सन इंटर ना हो सके, यानी एक जो जिसकी जिम्मेदारी है स्टोर रूम की उसके अलावा अनऑथोराइज पर्सन जो है वो स्टोर रूम में इंटर ना हो सके, ये दूसरी कंडीशन है स्टोरिंग की। तीसरी कंडीशन है स्टोर रूम शुड बी ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी और टू अलाउ दी ऑर्डरली स्टोरेज ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। स्टोरेज जो है स्टोर रूम वो इस तरह होना चाहिए कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट हम स्टोर कर रहे हैं वो उसके अंदर जो है प्रोडक्ट की मकदार जो है इतनी मुनासिब होनी चाहिए कि वो मुतलका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होनी चाहिए और मुतलका तरतीब के साथ वो प्रोडक्ट उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए और सफिशेंट कैपेसिटी यानी एक मुनासिब मकदार उसके अंदर स्टोर की जानी चाहिए। जो स्टोर रूम होता है जो या आप कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की स्टोरेज रिक्वायरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। स्टोर रूम शुड बी डिज़ाइंड और अडॉप्टेड टू इंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशंस। स्टोर रूम जो है इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि उसकी स्टोरेज कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो स्टोर रूम है वो इस तरह उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए या इस तरह उसको बनाना चाहिए जिसमें उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो बेहतर रहे, उसकी जो स्टोरेज कंडीशन जो है उसकी गुड स्टोरेज कंडीश्शन की इंश्योरिटी हो, यानी वो श्योर हो कि उसकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी है, उसको डिज़ाइन से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा। दे शुड बी क्लीन एंड ड्राई एंड मेंटेन विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लिमिट। जो स्टोर रूम है वो इस तरह होना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुश्क होना चाहिए और एक्सेप्टेबल टेम्परेचर उसके अंदर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी यानी जो नमी की लेवल है वो भी कम होना चाहिए या एक खास लिमिट तक होना चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ह्यूमिडिटी लेवल होना चाहिए।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि स्टोर रूम शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एकुमुलेटेड वेस्ट एंड वर्मिन। यानी स्टोर रूम एक साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो है, जो वेस्ट होते हैं, आप डस्ट वगैरह कह सकते हैं, या दूसरे जर्म्स जो क्रिएट करने वाली चीज़ें होती हैं, उससे पाक होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए स्टोर रूम, ताकि हम उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स सेव करें उसके ऊपर कोई वर्मिंस यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और वेस्ट का असर ना चला जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, रिसीविंग एरिया शुड बी डिजाइंड एंड इक्विप्ड टू अलाउ इनकमिंग इन कंटेनर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू बी क्लीन इफ द नेसेसरी बिफोर स्टोरेज। यानी जो जो हम रिसीविंग एरिया है, स्टोरेज का प्रोडक्ट को रिसीव करने वाला एरिया है, वो इस तरह होना चाहिए कि उससे निकलना जो है किसी भी कंटेनर का आसान हो। यानी इसमें कंटेनर जो है राउंड से इंटर हो सके और आउट हो सके, और जो प्रोडक्ट पहले से उसमें पड़ी है उसके वो भी क्लीन होने चाहिए, उसके इक्विप्ड होने यानी कंटेनर के इंटर होने की वजह से या निकलने की वजह से प्रोडक्ट की स्टोरेज कंडीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट स्टोरेज की, तो इसमें जो है ये पॉइंट भी बहुत अहम है कि जो प्रोडक्ट आप स्टोर कर रहे हैं उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, डेंजरस ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इटीसी शुड बी स्टोर्ड इन अ डेडिकेटेड एरिया दैट आर सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट एडिशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर। यानी जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आ जाती हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल आ जाता है, डेंजरस ड्रग्स आ जाती हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स या सब्सटेंस आ जाते हैं, इनके लिए हमें एक डेडिकेटेड एरिया यानी खास एरिया इसके लिए मुख्तसिस करना चाहिए, ताकि इनको जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी जो है इंश्योर रहे, उसकी सेफ रहे, और सिक्योरिटी यानी यहाँ इन खास जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं यहाँ तक किसी बंदे की रसाई ना हो सके, अनऑथराइज पर्सन की रसाई ना हो सके। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, मिक्सअप एंड क्रॉस कंटेमिनेशन। यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को हम इस तरह जो है स्टोर करें कि उसके अंदर जो है कंटेमिनेशन ना हो, यानी डस्ट वगैरह या आउटसाइड पार्टिकल्स उसमें इंटर ना हो उस प्रोडक्ट में या उस पूरे स्टोर रूम में। यानी वो कंटेमिनेशन से पाक होने चाहिए, जो स्टोरेज और प्रोडक्ट्स का जो स्टोर रूम है या स्टोरेज कंडीशन है वो कंटेमिनेशन या किसी चीज़ के मिक्सअप होने से उसको बचाना चाहिए या उसे पाक होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स में मजीद ये चीज़ें आ जाती हैं कि आर सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्यू टू एक्सपायरी फर्स्ट आर सोल्ड एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट। यानी उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है स्टोर रूम की, वो उसकी तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की एक्सपायरी पहले है उसको पहले जो है सेल करना चाहिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए मार्केट में। यानी जो एक्सपायरी फर्स्ट है उसको फर्स्ट आउट होना चाहिए किससे, स्टोर रूम से। ठीक हो गया। ब्रोकन एंड डैमेज आइटम शुड बी स्टोर सेपरेटली फ्रॉम अन यूजेबल स्टॉक एंड डिस्पोज प्रॉपरली। यानी जो जो आइटम जो है टूट गए हैं या ख़राब हो गए हैं उसको जो है स्टॉक से बाहर निकाल देना चाहिए या उसको अलग रखना चाहिए और ख़ास तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ठीक हो गया। और तीसरी बात है कि स्टोर रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट लाइटिंग टू इनेबल ऑल ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट एक्यूरेटली एंड सेफली। स्टोर रूम जो है इस तरह होना चाहिए कि उसके अंदर जो लाइटिंग का निज़ाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए या मुनासिब होना चाहिए, और क्योंकि उस लाइटिंग में जो ऑपरेशन है उसके जो काम है प्रोडक्ट को पिक करने के या ड्रॉप करने के, वो एक्यूरेटली और सेफली होते रहें उस लाइटिंग कंडीशन की वजह से। ठीक है। चौथी बात है, रिकॉर्डेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटर डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर रिव्यू। यानी जो उसके अंदर स्टोर रूम का जो टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी लेवल है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आउटसाइडर जो इंस्पेक्शन टीम आएगी उसको रिव्यू कर सके, उसको रिव्यू के लिए वो अवेलेबल हो रिकॉर्डेड टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डाटा जो है। इक्विपमेंट यूज फॉर मॉनिटरिंग शुड बी चेक एट सूटेबल प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स एंड द रिजल्ट ऑफ
सच चेक्स शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड। इसी तरह जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डाटा अवेलेबल होना चाहिए, इसी तरह इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल हो रही है स्टोरेज के लिए, वो भी जो है प्रॉपरली चेक होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए वक्तन फवक्तन, और वो रिकॉर्ड जो है अवेलेबल हो इंस्पेक्शन टीम के लिए, जब भी उसको चेक करना चाहे वो उसका जो इक्विपमेंट का जो रिकॉर्ड है वो इजीली चेक कर सकें या उसको रिव्यू कर सकें। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इक्विपमेंट शुड बी इक्विपमेंट यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज कंडीशन शुड बी कैलिब्रेटेड एंड मेंटेन्ड एट डिफाइंड इंटरवल, रेलिवेंट रिकॉर्ड शुड बी कैप्ट एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाई डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। यानी जो भी इक्विपमेंट तो स्टोरेज कंडीशन में या स्टोर रूम में इस्तेमाल हो रही है और वो इस तरह कैलिब्रेटेड यानी उसको इस तरह डिजाइन करना चाहिए या मेंटेन रखना चाहिए, खास इंटरवल से पड़ी होनी चाहिए, वक्फे से पड़ी होनी चाहिए, और उसका रिकॉर्ड जो है रेलिवेंट रिकॉर्ड जो है वो उसका रखना चाहिए, और वो इंस्पेक्शन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ऑल फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉइजन शुड बी लाइसेंस्ड एंड अप्रूव्ड एंड हैव प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल। यानी जितनी भी फैसिलिटी जो है स्टोर रूम में है अवेलेबल, वो पॉइजन से पाक होनी चाहिए, और उसके जो पॉइजन से पाक जो फैसिलिटीज हैं उसको लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए या अप्रूव्ड या मंजूर शुदा होना चाहिए, या किसी भी प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल से वो जो स्टोरेज की पॉइजन रखने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपरली जो है सिक्योरिटी कंट्रोल्स के मुताबिक होने चाहिए, ताकि जो पॉइजन है वो हमारे स्टोरेज प्रोडक्ट्स में ना इंटर हो सके। ये तमाम जो है पॉइंट्स हैं स्टोरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, इसको आपने अच्छी तरह रिव्यू कर लेना है, और इसकी जो है तरतीब जो है मैटर नहीं करती, आपको स्टोरेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के लिए जो भी बेहतर पॉइंट लगते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल पेपर्स में आपसे पूछ सकते हैं स्टोरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के पॉइंट बताएं, तो आप जिसमें जो भी आपको इसमें बेहतर लगता है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हो गया है, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है आप जो है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। लास्ट में आपका एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट के लिए आप भी रेडी। टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद उसके एमसीक्यू में जो है आपने आंसर देना होता है कमेंट्स में। क्वेश्चन ये है, इक्विपमेंट यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज फार्मास्यूटिकल कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन शुड बी कैलिब्रेटेड एंड मेंटेन्ड एट डिफाइंड इंटरवल, रेलिवेंट रिकॉर्ड शुड बी कैप्ट एंड अवेलेबल फॉर बाय द इंस्पेक्शन ऑफ। यानी जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है स्टोरेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसका रिकॉर्ड जो है रखना चाहिए और वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए, किसकी इंस्पेक्शन के लिए, ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, दूसरी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तीसरी ऑप्शन है बोथ, चौथी ऑप्शन है नन। तो इनमें से कौन सा तो सही ऑप्शन है ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। थैंक्स फॉर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स की अंडरस्टैंडिंग और उसके क्वालिटी कंट्रोल, ये तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर होगा हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, फार्मास्यूटिक्स 2 का। इसके बाद जो है हम कोई और बुक शुरू करेंगे असिस्टेंट फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियंस के सिलेबस को कवर करने के लिए।